मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, मोलस्कम का मतलब होता है सॉफ्ट, कॉन्टेजियोसम का मतलब होता है जो कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर छोटे छोटे पल या मोती के दानों की तरह फ्लेशी अपीयरेंस हो जाते हैं। आमतौर पे इसको वाटर वार्ट भी कहते हैं, लेकिन ये वार्ट नहीं होता है। इसका कारण होता है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम नाम का वायरस। खास बात इसके लीजन में ये होती है कि जो इसका आप लीजन देखेंगे उसके लीजन में एक पकर्ड स्कार होता है, बीच में एक अम्बलाइकेशन होता है। यह वायरस छुआछूत से फैलता है और सबसे खास बात है कि जिस व्यक्तियों में या जिन बच्चों में इम्यूनिटी की कमी होती है उसमें यह तेज से फैलता है, और एक दूसरे से कांटेक्ट होने पर या दूसरे बच्चों में या दूसरे व्यक्तियों में फैलने की संभावना होती है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि मोलस्कम कॉन्टेजियोसम अपने आप ठीक हो जाता है या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, लेकिन जो मेरा अनुभव है इस बीमारी को देखने का, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में पाया है, मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज आए हैं जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल से ये परेशानियां रही हैं। होम्योपैथी में जो इसका इलाज होता है, लक्षणों के अनुसार और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम लोग इसका इलाज करते हैं। अलग अलग पेशेंट अलग अलग दवाइयाँ रिसीव करते हैं। मेरी क्लिनिक में मैं अपने सभी मरीजों का इलाज मेडिसिन ट्रांसप्लांट थ्रू हेयर या बाल द्वारा औषध प्रसारण विधि द्वारा करता हूँ, और इसके बहुत बेहतरीन परिणाम आए हैं। हर केस जो मैं यहाँ आपके सामने अभी दिखाऊंगा, वो केस अलग अलग तरीके से अलग अलग दवाइयों के द्वारा ठीक हुआ रहता है। ये उस दिन आपका बाल लगाया, उसके कितने दिन के बाद से झड़ गई है? ये तो 10 दिन में साफ हो गया पूरा। और कितने दिनों से था आपके? बहुत टाइम से था, हो गए एक साल से। एक साल से? एक साल नहीं था, लेकिन 7-8 महीने हो गए थे। हमें लगा था अपना भी ठीक हो जाएगा, बढ़ता चला गया ये चीज। हाँ चलिए ठीक है, आपको अच्छी बात। दिखा के गए 10 दिन के अंदर पूरा चेहरा साफ था, बहुत अच्छी स्किन हो गई थी। ये तो शायद गर्मी की वजह से। हाँ गर्मी की वजह, गर्मी की वजह से वो मोलस्कम अब नहीं आएगा। ये चीज़ है छोटा नहीं, वो जो ये यहाँ वाला जो एक दाना निकला है ये गर्मी की वजह से है, मोलस्कम नहीं। हाँ निकले एक दो दाने। हाँ 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 वो चीज़ तो नहीं निकली अब, होगी तो नहीं वो चीज़ दोबारा? नेवर नेवर, इम्पॉसिबल। हाँ तो क्या अनुभव रहा आपका बाल बाल से, बाल से जो करते हैं? ये तो मुझसे कह रहे थे कि तुम तो सीख लो क्या करते हैं। अबाउट योर माइग्रेन एंड इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें नहीं हुआ कुछ? माइग्रेन हुआ था एक दो बार। हाँ क्या कारण थे उस दिन? क्या कारण था? बिना ट्रिगर फैक्टर के कहाँ जल्दी माइग्रेन थी? उस दिन टेंशन थी ना, हमें जाने वाला था, ये जाने नहीं जा रही, नहीं जा, मैंने नहीं जाना है, मतलब ऐसे ही वो हो गया था हमारी इनटेंशन। अच्छा। हो बाकी क्या फ्रीक्वेंसी थी पहले माइग्रेन, कितने दिनों पे हुआ करता था? एक महीने में 3-4। तो ठीक है, बहुत आराम है।